अच्छा जी, ओवरव्यू की हम बात कर रहे थे। तो आर्टिकल्स अभी हमने देखे हैं किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कैटेगराइज किस तरह से। सो बेसिकली थोड़ा सा कैश फ्लो हमने देखा जुमला में कि वो किस तरह से कर सकते हैं। अब हम जो है इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, किस तरह से उनको हम ऐड कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स से रेलिवेंट ऑप्शंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। और मैं जरा काम का आपको बता दूं कि आपकी जो अभी असाइनमेंट होगी वो आज या कल, आज नहीं कल इंशाल्लाह पोस्ट होगी। उसमें असाइनमेंट में आपको वो एक वीडियो ही मिलेगी, ठीक है। आपने क्या करना है उस वीडियो में, जो कुछ किया हुआ है वो आप सब ने करना है, ठीक है। वो करके आपने अपनी अपनी जो भी आपकी रिजल्टेंट साइट बनेगी, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट शेयर करने होंगे, ठीक है। अब प्लस मैं एक वीडियो शेयर करूंगा कि जिनको वो मेल आ गई हुई है वो गिटहब वाली, उन्होंने आगे से क्या करना है, ठीक है। जिनको नहीं आई अभी वो एक दो दिन वेट कर ले, नहीं तो फिर मैं उनको दूसरा तरीका बता दूंगा। और क्विज से रिलेटेड मैं पहले बता दूं कि क्विज जो है हमारा रिलीज होगा, मैं एक दफा देख लूं। क्विज 9:30 पर रिलीज होगा और इसमें मेरे ख्याल से 5 MCQs हैं। क्विज 5 MCQ हैं, नहीं 4 MCQ हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका टाइम, जो क्विज करने का टाइम है वो 7 मिनट है, ठीक है। लेकिन क्विज ओपन जो है वो होगा 9:30 से लेकर 9:45 तक, ठीक है। इस दौरान ये में आपने क्विज अटेम्प्ट करना है। सो आज का जरा शुरू करते हैं लेक्चर। अच्छा जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं जरा आपको दिखा दूं कि आर्टिकल्स में हम कुछ उसके जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह से बदल सकते हैं। तो मैं फिलहाल जरा इस वेबसाइट पर जाता हूं, तो आपने मुझे इस वेबसाइट के आर्टिकल्स का फर्क बताना कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई आर्टिकल ओपन करता हूँ, ये ठीक है। इस आर्टिकल में क्या फर्क नजर आ रहा है, जो पहले हम आर्टिकल लिखते थे उसमें क्या चीज नजर आ रही होती थी, इसमें क्या चीज नजर नहीं आ रही। सर ये एक सिंगल कॉलम में है, उसके अंदर हमारे कॉलम ज्यादा थे, इसमें सिंगल कॉलम आ रहा अब वो तो ठीक है, चले वो भी एक फर्क है वो, है। लेकिन वो तो तब कैटेगरी वो लेआउट का तब नजर आता है जब हम कैटेगरी हमने सेलेक्ट की हो। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेन आर्टिकल में कुछ चीजें नहीं नजर आ रही जो पहले नजर आ रही होती थी। यहाँ पे ये भी शो नहीं हो रहा कि पोस्ट किसने की है। यस, वो जो इंफॉर्मेशन थी आर्टिकल की के पोस्ट किसने की है वगैरह वगैरह, मैं देखता हूँ लोकल होस्ट। आई गेस लेट मी चेक, ये इधर पड़ी भी है, ठीक है। ये ओपन होती है तो इसके आर्टिकल हम निकाल के देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये भी एक आर्टिकल ही क्रिएट हुआ हुआ था, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, रिटन बाय सुपर यूजर, कैटेगरी भी बता रहा है, पब्लिश भी बता रहा है, हेड्स भी बता रहा है, ये ऑप्शन भी दे रहा है कि प्रिंट कर लो, ये ऑप्शन भी दे रहा है कि यहाँ पर ईमेल की भी होती है, ईमेल कर ले, ठीक है। ये बेसिकली इसमें इन इन आर्टिकल्स में नहीं नजर आ रहा। तो इन आर्टिकल्स में ये मैंने किस तरह से बंद की है कि आपने जाना कंटेंट में, और कंटेंट में जाकर आपने जाना है आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शंस में, ठीक है। और ऑप्शंस में जाएंगे तो यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को हम अब देखते हैं। ओके, एक तो चीज नजर आ रही है, जो पहला ऑप्शन हम देखें वो कह रहा है चूज अ लेआउट। जो जूमला के टेम्पलेट्स होते हैं या जो इनकी थीम्स होती हैं, ये मुख्तलिफ लेआउट्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें जो है ये डिफॉल्ट लेआउट प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला थीम जो इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है या ये वाला जो टेम्पलेट इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है वो डिफॉल्ट लेआउट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, अब हम बारी बारी इसमें से जो है ऑप्शंस को चेक करते हैं और उनका इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शो टाइटल, ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर मैं लेके जाऊं तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी देता है। वो क्या कह रहा है कि इफ सेट टू शो द आर्टिकल टाइटल इज शोन, ओके, अगर आपने इसको शो पर सेट किया हुआ है तो आर्टिकल का टाइटल शो सेट होगा, तो आर्टिकल का टाइटल जो है वो शो होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हाइड कर देता हूं और इसको मैं सेव करता हूं, यहां पर जाता हूं और यहां पर जाकर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो आपने फर्क देखना है, आप क्या फर्क नजर आया है? ऊपर से आर्टिकल का नेम रिमूव हो गया। आर्टिकल का नेम रिमूव हो गया, ओके। सो इसको मैं दोबारा शो कर रहा हूं और इसको शो करके मैं दोबारा से इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आर्टिकल का जो नेम है वो दोबारा वापस आ गया। नेक्स्ट जो है शो इंट्रो टेक्स्ट, शो इंट्रो टेक्स्ट कब नजर आता है? जब हम कैटेगरी वाइज वो ब्लॉग लेआउट में देख रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ें तो यहाँ पर ये होवर, एक मिनट, if set to show the intro text of the article will show when you drill down to the article, if set to hide only the part of the article after read more break will show। theek hai, acha position of article information, main zara article information open kar dun, ye maine, ek minute, okay, article information ko agar main सेव करता हूं, ये दोबारा से सेव करके मैं इसको ओपन करता हूं, तो ये आर्टिकल की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये आर्टिकल की इंफॉर्मेशन किधर शो हो रही है? अबव टॉप पर शो हो रही है। इसको मैं यहां पर भी कर सकता हूं, बिलो करता हूं और सेव करता हूं और इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये यहां पर चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्प्लिट पे करता हूं तो इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूं तो कुछ उधर है कुछ नीचे है। ठीक है, इसी तरह से अच्छा इसको मैं अबव कर देता हूं, ओके, अबव करने के बाद इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं तो ये वाली डिटेल्स शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल इन्फो टाइटल शो करवाने, मैं इसको हाइड करता हूँ, कैटेगरी शो करवानी है इसको भी मैं हाइड करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और अब हम देखते हैं क्या आता है इस पे, तो वो आर्टिकल इन्फो आर्टिकल इंफॉर्मेशन के टाइटल भी हाइड हो गया और कैटेगरी भी हाइड हो गया, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक चीज है क्रिएट डेट, क्रिएट डेट और पब्लिश डेट में क्या फर्क होगा? सर क्रिएट डेट होगी जिस टाइम लिखा गया और पब्लिश होगी जिस टाइम उसको पब्लिश किया गया होगा। यस, क्रिएट डेट वो होगी जिस टाइम लिखा गया और पब्लिश डेट वो होगी जिस टाइम उसको पब्लिश किया गया। अच्छा, तो क्रिएट डेट बाय डिफॉल्ट हाइड रहती है, मॉडिफाइड डेट भी बाय डिफॉल्ट हाइड रहती है। ठीक है, शो ऑथर को अब मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, शो ऑथर को मैं हाइड कर देता हूँ और उसके बाद शो नेविगेशन है तो ये बिल्कुल बॉटम पे आए तो ये जो नेक्स्ट का बटन नजर आ रहा है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, नेक्स्ट आर्टिकल पर ले जाएगा, इसको हम नेविगेशन कह रहे हैं। ठीक है, ये शो नेविगेशन को भी मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद याद है लास्ट टाइम हमने प्लगइन्स की जब बात कर रहे थे उसमें ना एक प्लगइन हमने देखा था, यहां से मैं इसको ओपन करता हूं, यहां पर बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन्स हैं,
ये कंटेंट वोट वाला प्लगइन जो है वो ये है, ठीक है। इसको हम एनेबल करते हैं और इसको मैं सेवन क्लोज करता हूँ। सेवन क्लोज करने के बाद अगर वो वहां से एनेबल हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, हाइड है, लिहाजा यहाँ पर इसको जो मैं शो करूंगा तो वो नजर आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आर्टिकल को रेट कर सकता हूँ, वोट वन, वोट टू, वोट थ्री, ठीक है। इसको रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रेट कर दिया, ठीक है। ये था वोटर, आर्टिकल वोटर। इसको मैं दोबारा से हाइड करता हूँ। शो रीड मोर का आपको पता है कि अगर रीड मोर ऐड किया हो तो वो शो हो जाते हैं रीड मोर के साथ। अच्छा, दो 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 तरीके होते हैं। इस आर्टिकल में मैं जाता हूँ, इस आर्टिकल ठहरे, एक यहाँ पर क्या, शो टाइटल विद रीड मोर। सो आई हैव टू ओपन दिस आर्टिकल। मैं कंटेंट में जाता हूँ और लेट मी सेवन क्लोज। सेवन क्लोज करके मैं इस आर्टिकल में जाता हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल में जाके मैं यहाँ पर ए रीड मोर का टैग ऐड कर देता हूँ, ये, ठीक है। ये रीड मोर का टैग ऐड कर दिया। इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं। सेव एंड क्लोज करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। और अच्छा, उधर से हमने डिसेबल तो नहीं किया हुआ है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सर, ये जो वोटिंग है का आपने बताया था, ये तो अक्सर मतलब ऐसे तो नहीं होता है, जैसे कहीं भी वेबसाइट पे जाएंगे वोट वन, वोट टू, वोट थ्री में से सिलेक्ट करो, वो तो वाया स्टार है सिलेक्शन ना, तो जितने मर्जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे, ये कुछ वो वाली चीजें हैं जो जूमला के बिल्ट इन पड़ी हुई है, जूमला के, ठीक है, जो जूमला बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और कुछ होती हैं जो हम अपनी मर्जी से देखें, जो कुछ होते हैं जिसमें स्टार होता है, ठीक है, कुछ होते हैं जिसमें वो इमोटिकॉन्स बने होते हैं, ठीक है, इमोजी बनी होती हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये siyasat.pk है के उर्दू पॉइंट है, उनके आर्टिकल के नीचे उन्होंने रेटिंग के लिए इमोटिकॉन्स रखी हुई है, ठीक है। तो वो चीजें एक्सटेंशंस में आती हैं। एक्सटेंशंस में हो सकता है हमें उस तरह की एक्सटेंशन अवेलेबल हो, कोई हो सकता है हमें बटन्स की एक्सटेंशन अवेलेबल हो सकता है हमें किसी, तो ये जो बिल्ट इन बिल्कुल जूमला की फैसिलिटी है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बिल्ट इन वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, आर्टिकल ऑप्शंस में जाने से पहले मैं जरा ना यहाँ पर कैटेगरी शो करवाता हूँ, क्योंकि रीड मोर तब शो होता है जब हम कैटेगरी पर जाकर देख रहे होते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अबाउट कैटेगरी के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर ये देखें, ये रीड मोर के आगे क्या आ रहा है, आर्टिकल का टाइटल आ रहा है, ठीक है, रीड मोर के अंदर आर्टिकल का टाइटल आ रहा है। और अगर यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर ये है कि शो टाइटल विद रीड मोर, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसको मैं हाइड करके यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस कैटेगरी में जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे टाइटल नजर नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर अब मुझे टाइटल नजर नहीं आ रहा, ओके। सो और कुछ हम यहाँ से इसकी ये जैसे शो प्रिंट, शो ईमेल, शो हिट्स और रिकॉर्ड हिट्स वगैरह, ये जितने भी थे ये मैंने हाइड किए हुए थे, ठीक है, इन सबको मैंने शो किया है। अब शो करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहां से मैं रीड मोर पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये वोटिंग भी नजर आ रही है, मुझे ये प्रिंट और ईमेल के आइकॉन्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये जितने ऑप्शंस थे उससे रेलिवेंट ये मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था कि आर्टिकल के ऑप्शंस कुछ थी कि किस तरह से इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग लेआउट
मैं अगेन, ये हमारा वही है जो हमारे एडिटर के, हम आज एक नया एडिटर भी ऐड करके देखेंगे। उसके बाद ये कुछ कैटेगरी से रिलेटेड उसी तरह की जो है ऑप्शंस हैं कि कैटेगरी का टाइटल शो करवाना है कि नहीं, उसकी डिस्क्रिप्शन शो करवानी है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये हमने पहले भी देखा था कि ब्लॉग जो, या फीचर्ड लेआउट, ब्लॉग लेआउट में आपने इंट्रो आर्टिकल्स कितने दिखाने हैं, लीडिंग आर्टिकल कितने दिखाने हैं, ठीक है। इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है। सो फॉर एग्जांपल, कॉलम्स 2 में दिखाना है कि 1 में दिखाना, मैं 1 करता हूँ। लिंक्स में फॉर एग्जांपल 0 कर देता हूँ। और अब मैं जाके सेव करके वो जो अबाउट की कैटेगरी थी उसमें जाऊंगा, तो यहाँ पर इस तरह से मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे पूरा पूरा आर्टिकल शो हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल लिंक्स 4 कर देता हूँ, कॉलम इंट्रो आर्टिकल में मिसाल के तौर पर 2 कर देता हूँ, और यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे कुछ इस तरह से, 1 मिनट, सेव कॉलम्स 2 करता हूँ और इस तरह से इसको मैं सेव करता हूँ, एंड लेट्स डू दिस। तो अब ये 2 कॉलम्स में आ गया, ठीक है। और जो जो हमने उसके साथ ऑप्शंस ऑन की हुई थी, वो वाली आर्टिकल के साथ जो है वो ऑप्शन आ रही है। ओके, सो उसके बाद ये कुछ लिस्ट से रिलेटेड लेआउट्स हैं। ये कुछ टेबल से रिलेटेड भी हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपने टेबल ऐड किया हुआ है अपने आर्टिकल में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पर कोई टेबल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। टेबल हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है। जस्ट अ मिनट, किधर गया ये? ओके, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा कि कितने बाय कितने का टेबल डालना है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से टेबल ऐड कर देता हूँ, और ये मेरा टेबल ऐड हो गया, ठीक है। ये टेबल की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में मैं फॉर एग्जांपल उसकी विड्थ देता हूँ 20, हाइट देता हूँ फॉर एग्जांपल 40, सेल की स्पेसिंग में देता हूँ 10, सेल की पैडिंग में देता हूँ 5, बॉर्डर में देता हूँ 2 पिक्सल्स, अलाइनमेंट में उसकी सेंटर दे देता हूँ। कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर डायरेक्ट स्टाइल भी लिख सकते हैं। बॉर्डर कलर में यहाँ पर बता देता हूँ जी ब्लैक कर दें। और बैकग्राउंड कलर अगर आप रखना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरह से हो, मैं ओके करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं टेबल में डाटा एंटर कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, और इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल नेम्स, और यहाँ पर रोल नंबर 1212 फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी डाटा ऐड कर रहा हूँ। सो इस तरह से टेबल ऐड कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह इसकी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट पर ले जाऊं तो यहाँ पर शो होगा, उसके बाद इंसर्ट रो करनी है या इसके बाद इंसर्ट करनी है, या इससे ऊपर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट रो बिफोर। सो जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक एमएस वर्ड वाले टेबल में, उसी तरह से जो है ये टेबल हम बना सकते हैं। ओके, सो 1 मिनट, आपके पास क्लासरूम में, मुझे 1 मिनट देखने दें कि मेल आ चुकी है। क्लासरूम में अनाउंसमेंट आ चुकी है अगली मीटिंग की? ओके, यस सर, आगे है। ठीक है। सो अभी तक जो भी हम चीजें देख रहे हैं, एज सच अभी कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं आया कि अभी जो जिस तरह से ये वेबसाइट हमें दिखने में नजर आ रही है या वो, तो लेकिन अब थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह कि जो भी हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे अहम चीज है कंटेंट। कंटेंट नहीं है तो आप साइट नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको अगर फ्रीलांस काम का वर्कफ्लो बताऊं, एक सिंपल वेबसाइट अगर किसी फॉर एग्जांपल कंपनी की बनानी है,
मिसाल के तौर पर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, अगर ये इसकी वो चल रही है, ओके फॉर एग्जांपल ये कोई वेबसाइट है, ठीक है। अब आपका क्लाइंट कहता है कि जी मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, मैं उसमें मुझे कुछ इस तरह से ये चाहिए, तो क्या ये कंटेंट आप खुद लिखेंगे? क्या क्या ख्याल है, ये कंटेंट सारा आप खुद लिखेंगे? सर ये कंटेंट कॉपी करेंगे इसको नहीं, मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट वो पहली दफा मैं कह रहा हूँ बनवाने लगा, पहली दफा बनवाने लगा, उसकी अपनी कोई नई वेबसाइट है, वो पहली दफा बनवाना चाह रहा है, ठीक है। तो हम कस्टमर से डिमांड करेंगे, फिर हम कस्टमर से डिमांड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे अहम चीज क्या है, कॉन्टेंट है, उसमें कॉन्टेंट में क्या आ रहा होगा, ये टेक्स्ट वगैरह आ रहे होंगे, ये सारी इमेजेस वगैरह आ रही होंगे, ये ठीक है, हाँ ये आइकॉन्स वगैरह, ये फिर अब आप पे या आप उस पे लगा रहे हैं कि नहीं। सो डिमांड हम कस्टमर से करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि जो भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट बनानी है उसमें सबसे पहले सबसे अहम काम, आप वेबसाइट को एक कंप्लीट लुक तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके पास कंटेंट नहीं है, ठीक है। कंटेंट होना जरूरी है, और कंटेंट को फिर जब ऐड करना है तो उसको मैनेज किस तरह से करना है, उसमें एडिटिंग वगैरह किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें पहले हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अभी जो हम चीजें देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, और अगेन जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि हमारा ज्यादा फोकस, जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो वर्डप्रेस में होगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस में होगा, और उसमें हम ज्यादा किस्म की साइट्स बनाकर देखेंगे, और उसमें हमारी असाइनमेंट्स भी ज्यादा होंगी। जूमला एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड कर देता है आपको कंटेंट समझने की। अभी जिस तरह मिसाल के तौर पर आज हमने एक्सटेंशंस पढ़नी है, ठीक है, एक्सटेंशंस देखनी है क्या होती है। जब आपको यहाँ पर एक्सटेंशन समझ आ जाएंगे, जब हम यहाँ से ट्रांसफर होंगे वर्डप्रेस पे, और वो उधर आप देखेंगे ये तो बड़ा आसान काम है, ठीक है। तो हमारा इंशाल्लाह जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो हमारा वर्डप्रेस पे होगा। जूमला में अभी नेक्स्ट आने वाले एक दो लेक्चर्स में हम इसमें साइट बिल्डिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए पहले जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया, ओके अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं 8:45 पर, ठीक है, 8:45 पर हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, ये टाइम इसका ओवर हो चुका है, ओके। कुछ जो हमारे पास ये होती हैं एक्सटेंशंस होती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर साइट पर होती हैं, और कुछ होती हैं जो हमारी पब्लिक साइट पर होती हैं, तो इनको आज हमने देखना है। सो फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट्स हम कुछ आज देखेंगे। A component can only be displayed in the main area of a page, ठीक है? Main area of the page कौन सा होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पता चल सकता है। और can only be displayed in a single page usually, yes। और उसके बाद जो modules हैं, a Joomla module is a block of code that pulls information from your website's database or from Joomla components। तो मॉड्यूल जो है वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट की डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन पुल करके दिखा रहा होगा, या हो सकता है वो किसी जूमला कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन पुल करके दिखा रहा हो, जिस तरह से मेन्यूज वगैरह हैं, ठीक है। इसी तरह से मॉड्यूल्स कैन बी प्लेस्ड इन एनी प्री डिफाइंड मॉड्यूल पोजिशन। याद है जब हम लास्ट टाइम मेन्यू ऐड कर रहे थे, तो मेन्यू ऐड करते हुए हमें पोजीशन बतानी पड़ रही थी कि उसको किधर डिस्प्ले करवाना है, और वो हर टेम्पलेट में जो है पोजीशन डिफाइंड होती है, लेकिन उस पोजीशन का हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो किधर डिस्प्ले करवानी है, तो वो आज हम देखेंगे, ठीक है, कि वो भी हम किस तरह से देख सकते हैं। दे कैन अपीयर अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन अ नंबर ऑफ पेज इन वेरियस पोजीशंस। सो जो फॉर एग्जाम्पल लॉगिन फॉर्म का मॉड्यूल जो यूज हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो नजर आ रहा होता है आपको, ये
इसको मैं मल्टीपल टाइम यूज करवा सकता हूँ, मैं हो सकता है इसका एक डिस्प्ले इधर दे दूं, एक डिस्प्ले इधर दे दूं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स मल्टीपल टाइम और मल्टीपल पेजेस पर जो है इनको हम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अब वापस जाते हैं अपनी साइट पर। जी अवाब, आपका क्वेश्चन। जी सर, क्वेश्चन ये थे ना, जब हम न्यू मेन्यू ऐड करते हैं, जब जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में ऐड की थी, जब तक सर इसके अंदर मॉड्यूल ऐड ना करे तो वो शो नहीं होती हमारे यूजर क्लाइंट साइड पे? नहीं नहीं, वो मॉड्यूल की पोजीशन, जब तक उसमें एक तो मॉड्यूल ऐड ना करें और जब तक उसकी पोजीशन डिफाइन ना करें तो वो शो नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इनमें से चंद एक हम कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक्सटेंशंस में जब हम जाएं और टेम्पलेट्स में हम जाते हैं और टेम्पलेट्स में हम टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं, जब आप एक मिनट, जब आपने ये नई साइट इंस्टॉल करेंगे और टेम्पलेट्स पे जाएंगे ना, तो आपको ये इस तरह से, ये जो आई नजर आ रही है इस पर इस तरह से क्रॉस सा लगा होगा, ठीक है, नो प्रीव्यू अवेलेबल। अब हमने क्या करना है, हमने ऑप्शंस में जाना है और ऑप्शंस में जाके हमने प्रीव्यू को क्या कर देना है, एनेबल कर देना, ठीक है। ओके, जब एनेबल में कर दूंगा, अच्छा अब यहाँ पर डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट क्या नजर आ रहा है, जिस पे ये चेक्ड हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये वाला जो टेम्पलेट है ये वेबसाइट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट वेबसाइट के लिए यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पर अभी ये भी हमारे पास अवेलेबल है, मैं इसको जरा डिफॉल्ट करता हूँ, इसको डिफॉल्ट करके मैं यहाँ पर होम पर जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, और तो यहाँ पर मेरा जो है वो सारा चेंज हो गया है। इसने मेन्यू इधर ले आया है, कुछ यहाँ पर कुछ इसने लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इसने स्लाइडर सा शो करवा दी है, यहाँ पर ब्रेड क्रम्प यहाँ पर शो करवा रहा है, क्लोज इन्फो पर मैं करता हूँ तो वो उसने वो चीजें यहाँ से निकाल दी है, इसको मैं ये इस थीम की कैपेबिलिटी है ये इस तरह भी कर देता है, ठीक है। इसमें अबाउट पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से शो करवा रहा है, ठीक है। सो ये टेम्पलेट था, इस टेम्पलेट ने इसकी लुक चेंज कर दी, इसी तरह दूसरा टेम्पलेट है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम टेम्पलेट यूज करते हैं, नया टेम्पलेट यूज करते हैं, तो आपका कॉन्टेंट कहीं नहीं जाता, ठीक है, आपका कॉन्टेंट वही रहता है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि जब आप नई कोई साइट बनाने लगे हैं तो जो टेम्पलेट यूज करना है वो ऐसे ना करें कि वो बाद में यूज करें, आप टेम्पलेट पहले डिसाइड कर लें उस और उस टेम्पलेट को जो है वो ऐड कर लें, ठीक है, पहले ही ऐड कर लें। उससे क्या होगा, अभी तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाई है, इसमें हमारा कंटेंट जो है उसकी हालत इतनी को खास बिगड़ी नहीं, लेकिन कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होंगे जो कंटेंट तो रहेगा लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि टेम्पलेट्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने ऑप्शंस में जाकर मैंने क्या किया, मैंने मॉड्यूल पोजीशंस को जो है वो प्रीव्यू को अनेबल कर दिया। अब यहाँ पर जाकर मैं देख सकता हूं कि इस प्रोटोस्टार की पोजीशंस कौन कौन सी हैं। ओके, ये आप मुझे बता रहा है, ये कह रहा है ये मॉड्यूल पोजीशन 1 है, ये मॉड्यूल पोजीशन 0 है, यानी कि इधर इधर आप मॉड्यूल्स रख सकते हैं, ये पोजीशन बैनर है, ठीक है, और उसके बाद ये पोजीशन कोई 8 है। अब ये दो मॉड्यूल्स जो है स्कूल्स एट गिफ्ट और ये दोनों क्या है, मेन्यूज है, और दोनों कौन सी पोजीशन पर पड़े हुए हैं, पोजीशन 8 पर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये पोजीशन 3 हमारे पास एक अवेलेबल है, इसी तरह ये पोजीशन 2, तो जो जो पोजीशन अवेलेबल है इधर हम अपने मॉड्यूल्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम टेम्पलेट कोई देखेंगे तो उसकी जो ये है प्रीव्यू कर लेनी चाहिए पोजीशंस, ताकि हमें पता हो। अब हम कंपोनेंट्स में आते हैं और सबसे पहला कंपोनेंट है वो है बैनर्स, ठीक है। बैनर्स नाम से क्या लगता है कि बैनर क्या होगा?
सर वो जैसे कोई एड्स वगैरह होती हैं, एड्स वगैरह होती हैं, एग्जैक्टली ठीक है, एड्स वगैरह होती हैं, ओके ठीक है, जो एड्स वगैरह होती हैं जिसमें एक एक होता है स्लाइडर, ठीक है, एक होता है स्लाइडर और एक होती हैं एड्स। एड्स और स्लाइडर में फर्क है, स्लाइडर में आप वैसे कोई मेन फीचर्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एड में कोई वो क्लिकेबल चीजें होती हैं, उस तरह से वो एड बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैसेज आया कि जूमला में कोई यूआई नहीं, जूमला में बहुत सारी यूआईज हैं, अभी हम पहले कंटेंट बनाना मैनेज करना तो सीख लें, उसके बाद हम यूआईज पे जाएंगे, पहले यूआईज पे ले जाऊंगा तो फिर आपको कुछ करना नहीं आएगा। सो कैटेगरीज में मैं जाता हूँ, तो इसका तरीका कार क्या होगा बैनर ऐड करने का, सबसे पहले वही कैश फ्लो इसमें करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है उस बैनर की कोई कैटेगरी बना लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गिफ्ट एड, गिफ्ट एड्स, ठीक है, और इसको मैं सिंपली सेव कर देता हूँ, और सॉरी सेव एंड क्लोज करना था, ओके ये मैंने एक कैटेगरी बना ली। उसके बाद मैं बैनर्स पे जाता हूँ, बैनर्स पे जाके मैं एक न्यू बैनर बनाता हूँ, ठीक है, बैनर पे जाके मैं इसको क्या इसको नाम देना पड़ेगा, मैं इसको कहता हूँ गिफ्ट एड वन, या फॉर एग्जांपल गिफ्ट एडमिशंस फॉल 2020, ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ इमेज सेलेक्ट करनी है, और इमेज मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज जो है मैं कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड बनी हुई है, मैं उनमें से फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ओपन सोर्स वन वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सॉरी इंसर्ट करना था, इंसर्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं बाकी चीजों को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, यहाँ से मैं कैटेगरी इसकी असाइन करूंगा गिफ्ट एड्स, सेव एंड न्यू करूंगा, मैं एक नया उसमें ऐड कर दूंगा गिफ्ट स्कॉलरशिप्स में कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जाके मैं सेकंड बैनर जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। सेकंड बैनर सेलेक्ट करने के बाद मिसाल के तौर पर मैं ये भी बता दूं अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ गिफ्ट स्कॉलरशिप्स और क्लिक यूआरएल, क्लिक यूआरएल में मैं बता सकता हूँ कि किधर जाना है, www.gift.edu.pk, ठीक है, के इसके इस पर जब क्लिक करे तो किधर जाए। उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसको कैटेगरी असाइन कर देनी है, इसके बाद मैं सेवन क्लोज करूंगा, सेवन क्लोज करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इसको शो करवाना है। सो अब शो किस तरह से करवाएंगे हम, एनी आइडियाज, कैटेग मुझे ये बताएं कि आप पब्लिश से तो नहीं, नहीं कैटेगरी शो करवाई थी जिस तरह हमने कैटेगरीज शो करवाई थी, कैटेगरीज हमने शो किस पे करवाई थी, मॉड्यूल ऐड करेंगे, एग्जैक्टली मॉड्यूल ऐड करेंगे, ठीक है, तो जवाब आया कि मॉड्यूल ऐड करेंगे, तो जिस तरह से अभी मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, ये वाला मेन्यू ऐड किया था, इस मेन्यू के लिए हमने मॉड्यूल ऐड किया था ना मेन्यू का, अब मुझे बैनर ऐड करना है, तो बैनर ऐड करने के लिए मुझे क्या ऐड करना है, बैनर ऐड करने के लिए मुझे बैनर का मॉड्यूल ऐड करना होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर न्यू करता हूँ, और न्यू करके मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बैनर का मॉड्यूल, ठीक है, बैनर का मॉड्यूल इसको मैं टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, गिफ्ट एडमिशंस फॉल 2020, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी ऑप्शंस हैं, अभी हम इसको जरा डिफॉल्ट रख के देखते हैं, और यहाँ पर हमें इसको क्या बताना है, पोजीशन इसकी बतानी है, पोजीशन हम इसकी फिलहाल अच्छा ये पोजीशन देखें, सबसे पहले वो मुझे पहले टेम्पलेट की पोजीशन बता रहा है जो कि हमारा अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, हमारा टेम्पलेट जो एक्टिवेट हुआ है वो है प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार की मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, मैं किसी भी पोजीशन में ये बैनर रख सकता हूँ, लेकिन ये मैं बैनर को बैनर की पोजीशन में अगर रखूं तो अगेन मैं एक दफा आपको पहले बता दूं कि ये जो हैं बैनर्स आर जस्ट लाइक एड्स, ठीक है, ये एड्स की तरह ये स्लाइडर्स नहीं है, और एड्स फुल स्क्रीन टिपिकली नहीं ले रहे होते, ये जो चीज है ये स्लाइडर है, ठीक है, ये स्लाइडर है, एड्स जो होते हैं वो जरा छोटे होते हैं, तो ये इसको मैं अब प्लेस करने लगा हूँ बैनर की पोजीशन पे, मैंने प्लेस किया है,
इसको मैं 7 क्लोज करता हूं। ओके 7 क्लोज करता हूं और मैं अपनी साइट ओपन करता हूं। तो अब आप अगर देखें तो यहां पर मुझे दोनों बैनर शो हो रहे हैं, ठीक है। बैनर कुछ इस तरह से शो होते हैं, तो मैं ये जो बैनर था, ठहरे बैनर, जस्ट अ मिनट, बैनर्स में हम जाते हैं, ये जो दूसरा बैनर है इसकी मैं जरा तस्वीर चेंज करता हूँ। इसको मैं ये वाली तस्वीर दे देता हूँ और मैं सेव करके इधर से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये दोनों बैनर मुझे इस तरह से शो हो रहे हैं। एक हमारा क्लिकेबल था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इधर ले जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि बैनर की जो है डिटेल्स, सॉरी, यहां से हम क्लोज करते हैं और यहां से एक्सटेंशंस में मॉड्यूल्स में जाएंगे और यहां से हम जाएंगे, ये बैनर था हमारा, ओके। काउंट इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है। काउंट इसको हम 1 कर देते हैं और ऑर्डरिंग जो है इसकी हम रैंडम कर देते हैं, कभी कोई बैनर शुरू हो जाए, कभी कोई बैनर शो हो जाए, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, लेकिन ये कभी कोई शो हो जाए और कभी दूसरा शो हो जाए, उसको हम जरा इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा बैनर है, उसमें हम कुछ नए बैनर्स ऐड कर देते हैं। गिफ्ट एड्स के बैनर में हम गिफ्ट एड 3 फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ और यहाँ से मैं कोई और इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये किसी और तरह से नजर आएगी क्योंकि बैनर की हाइट एंड विड्थ जो है वो होनी चाहिए। इसको भी मैं गिफ्ट एड्स में कर देता हूँ और 7 क्लोज कर देता हूँ। 7 क्लोज करने के बाद हम यहाँ से मैं जरा मॉड्यूल्स में वापस चला जाऊं और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अभी ये वाला बैनर नजर आ रहा है। मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये वाला चेंज हो गया, रैंडमली नजर आ रहे होंगे, ठीक है। कभी ये नजर आ रहा है, कभी दूसरा नजर आ रहा है, ओके। इसकी पोजीशन हम इस मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल का काम क्या होता है कि वो आपके कॉम्पोनेंट से या आपकी डेटाबेस से, कुछ चीज फेच करके शो करवा रहा होता है। ये बैनर जो है इसको हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि इसको इस पोजीशन में नहीं रखना, ठीक है। और प्लस इसका ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, मुझे ये भी नहीं शो करवाना, ओके। तो मैं शो टाइटल को हाइड कर देता हूँ और यहां से मैं जाता हूं कि जी फॉर एग्जाम्पल फुटर में शो करवा दो, मिसाल के तौर पर, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब ये फुटर में शो हो रहा है इधर, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो इधर शो हो रहा है, ठीक है। इसको मजीद हम चेंज करके देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इधर पोजीशन 2 पर ऐड करके देखते हैं। सो पोजीशन 2 पर हम इसको लेकर जाते हैं इस मॉड्यूल को। सो ये हमारा मॉड्यूल है गिफ्ट एडमिशंस वाला और इसको हम ले जाते हैं पोजीशन 9 से किधर, पोजीशन 2 पर, ये जो ब्रेड क्रम्स की बनी हुई है। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो अब मुझे ये इधर शो होगा। इधर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर शो होगा, अगर मैं कोई आर्टिकल खोलता हूँ तो आर्टिकल के नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद टिपिकली आपने देखा होगा कि ये जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ये नीचे नहीं शो हो रहे होते, ब्रेड क्रम्स अगर शो भी हों तो ऊपर शो हो रहे होते हैं। तो इस मॉड्यूल की अब सेटिंग अगर मैंने चेंज करनी है तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाऊंगा ब्रेड क्रम्स के मॉड्यूल में और ब्रेड क्रम्स के मॉड्यूल में ब्रेड क्रम्स के जो मॉड्यूल है इसमें जाकर हम देखते हैं कि क्या ये चीज शो करवानी है। मिसाल के तौर पर अभी जो ब्रेड क्रम्स का मॉड्यूल है वो क्या शो करवा रहा है, यू आर हेयर। क्या आप ये शो करवाना चाह रहे हैं कि यू आर हेयर साथ लिखा है, मैं इसको कहता हूँ नो,
क्या आप ये शो करवाना चाह रहे हैं कि वो ये भी शो करवाए कि आप होम से होते हुए इधर आए हैं? ओके इट्स ओके, मैं कहता हूँ ये ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट सेपरेटर, यहाँ पर ये जो बीच में सेपरेटर है, ये अगर आप कुछ और यूज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया मॉड्यूल और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है। मॉड्यूल और एक्सटेंशन में डिफरेंस नहीं, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, आप अपनी साइट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी साइट को एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक्सटेंड का क्या मतलब है कि आप उसमें नई जो है वो फंक्शनैलिटीज ऐड कर रहे हैं। मॉड्यूल, कंपोनेंट्स, प्लगइन्स, लैंग्वेजेस, ये अब आपकी साइट में नई फंक्शनैलिटीज ऐड करने के जो है वो तरीकाकार है। ओके सो इसी तरह ही मेन्यू असाइनमेंट है, इसका क्या मतलब है कि क्या ब्रेड क्रम आप तमाम पेजेस पे दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। यहां से इसकी कुछ जो है ऑप्शंस को हम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इन द मीनवाइल हमने देखा कि बैनर का जो कंपोनेंट है वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं वापस जरा आ जाऊं यहां पर इस साइड पर, मैं बाकी जरा टैब्स बंद कर दूं। ओके अच्छा नेक्स्ट कंपोनेंट हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां से हम देख लेते हैं कि कॉन्टेक्ट्स का कंपोनेंट किस तरह से काम करता है। सो कॉन्टेक्ट्स पर जाते हैं, अगेन हमें सबसे पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर कहते हैं फॉर एग्जांपल गिफ्ट कॉन्टेक्ट, गिफ्ट, गिफ्ट, एडमिशन, ऑफिस। ओके इसको हम सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको क्लोज कर देंगे। ओके अब हम कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे। इसको मैं न्यू करता हूँ, न्यू करके अब मुझे कॉन्टेक्ट ऐड करना है। कॉन्टेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं हम स्टूडेंट अफेयर मैनेजर, ठीक है। सेलेक्ट अ यूजर, नहीं मेरे पास तो अभी कोई यूजर नहीं है तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसका इसकी पोजीशन बताते हैं या इस पे यहाँ पर इसका नाम बताते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर जॉन। यहाँ पर इसकी पोजीशन बताते हैं, पोजीशन से मतलब उसका रैंक क्या है, स्टूडेंट अफेयर मैनेजर। इसका ईमेल बता देते हैं saf@gift.edu.pk। गिफ्ट का एड्रेस बता देते हैं, गिफ्ट यूनिवर्सिटी चौक गुजरांवाला। अब चलें सिटी का नीचे हमारे पास है तो इधर लिखते हैं गुजरां। स्टेट और कंट्री, स्टेट पंजाब, मुझे कोड नहीं याद, मैं कुछ लिख रहा हूँ। कंट्री हम बता देते हैं पाकिस्तान। उसके बाद टेलीफोन हम बता देते हैं 0531231231213, ठीक है। मोबाइल नंबर 1012, कुछ यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह बता देते हैं। गिफ्ट, ये सारी ऑप्शनल फील्ड है, इसमें सिर्फ एक चीज दो चीज रिक्वायर्ड है, एक नेम और एक कैटेगरी, ये बाकी ऑप्शनल फील्ड है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल gift.edu.pk। ओके वेबसाइट पर अगर मैंने सिर्फ www.gift.edu.pk लिखे तो वो मुझे रेड शो करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसमें कुछ गड़बड़ है। HTTP में ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि वो लिंक बन जाए। और कैटेगरी में जाके मैं इसको गिफ्ट एडमिशन ऑफिस में ले जाता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, सेव एंड क्लोज। ओके मेन मेन्यू में मैं जाता हूं, मैं एक मेन्यू आइटम ऐड करता हूं, मेन्यू आइटम टाइप कॉन्टेक्ट है और यहां से फॉर एग्जाम्पल सिंगल कॉन्टेक्ट है, सिंगल कॉन्टेक्ट, और सिंगल कॉन्टेक्ट से यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट सेलेक्ट हो गया और इसको हम कॉन्टेक्ट एडमिशन ऑफिस कह देते हैं, एडमिशन ऑफिस, ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। सेव एंड क्लोज करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एडमिशन ऑफिस शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो है सारा एक कॉन्टेक्ट बनकर आ गया, कॉन्टेक्ट बनकर आ गया। प्लस यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी आ रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म में मेरे पास ये चीजें आ रही हैं कि आप इधर ईमेल वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं।
सो ये एक कॉन्टेक्ट मैंने क्रिएट किया, तो इसी तरह से कॉन्टेक्ट की जो है वो हम इमेज वगैरह दे सकते हैं. मीनवाइल ताकि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं ना कि आप अपना टेम्पलेट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखें जुमला टेम्पलेट्स. ठीक है, जुमला टेम्पलेट्स लिखें. कुछ आपको फ्री भी मिल जाएंगे, कुछ पेड भी होते हैं. लेकिन अगर मैं आपको मतलब प्रोफेशनल काम की लिहाज से बताऊं, तो अगर कोई आपको फ्रीलांसिंग या वैसे कोई काम किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब होती है, तो वो टेम्पलेट वगैरह आपको परचेज करके देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये joomlashaper.com है, इधर से मैं फ्री पर क्लिक करता हूँ. ठीक है, मैं फ्री पर क्लिक करता हूँ तो ओके, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं जो फ्री हैं. ठीक है, आप अगर कोई इनको एक्सप्लोर करना चाह रहा है, जस्ट अ मिनट, मेरा जरा कनेक्शन अनस्टेबल था. सो अगर कोई इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो आप यहां से इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. और इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा एक्सटेंशंस में, जाना पड़ेगा टेम्पलेट्स में, जाना पड़ेगा सॉरी एक्सटेंशंस में, एक्सटेंशन में जाके मैनेज में जाना पड़ेगा और इंस्टॉल पर जाना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले तो एक ये चीज आप कर लीजिएगा, ये ऐड इंस्टॉल फ्रॉम वेब वाला टैब ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, इसमें मैं पहले आपको एक एक्सटेंशन भी ऐड करके दिखा देता हूँ कि एक्सटेंशन अब ऐसी चीज है जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, एक्सटेंशन एक ऐसी चीज है. अब यहाँ पर ये जो जूमला की वेब डायरेक्टरी है, उस पर बेतहाशा एक्सटेंशंस है. मिसाल के तौर पर कोई फॉर्म्स आपने ऐड करने हैं, एक तो बिल्ट इन फैसिलिटी है, एक कुछ दूसरी थर्ड पार्टी जो है उन्होंने चीजें बनाई हुई है. ठीक है, फॉर्म्स वगैरह ऐड करने हैं. मिसाल के तौर पर J2 Store की एक्सटेंशन ऐड करेंगे, तो आप अपनी साइट को कन्वर्ट कर सकेंगे किसमें, एक ई कॉमर्स स्टोर में. ठीक है, इसी तरह से गैलरी, इग्नाइट गैलरी है, या कुछ इस तरह की बेतहाशा से एक्सटेंशंस हैं. ठीक है, इसमें से अब ऐसा नहीं होता कि हम सॉरी इंस्टॉल कर दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं. आप वेबसाइट की जरूरत के मुताबिक जिस तरह की जरूरत होती है, आप उस तरह की एक्सटेंशन जो है ऐड करते हैं. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड या कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई एक्सटेंशन आपने ढूंढनी है, यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है. हम कैटेगरी में उस कैटेगरी में जाएंगे तो वो बता रहा है कि जी ये कोई एक एक एक्सटेंशन है. देखें, एक एक्सटेंशन है आर्टिकल जनरेटर, और आर्टिकल जनरेटर ये देखें, इसको हम पढ़ते हैं या क्या है जरा. यहाँ से मैं आर्टिकल जनरेटर पर क्लिक करता हूँ. ओके, वो क्या बता रहे हैं जी, आर्टिकल जनरेटर क्या है. आर्टिकल जनरेटर इज एन SEO एक्सटेंशन फॉर जूमला. आर्टिकल जनरेटर करता क्या है, इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स न्यू आर्टिकल विद ऑन कीवर्ड्स बाय पुलिंग टेक्स्ट फ्रॉम एनी फीड सोर्स यू वांट. इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल जनरेट करता है, किधर से, फ्रॉम एनी फीड सोर्स. यानी कि इसको हमने एक सोर्स बताना होता है कि भाई आपने जो आर्टिकल जनरेट करने है ना, आप का जो सोर्स है आपने इस वेबसाइट को देखना है, और इसको देखते देखते नए आर्टिकल्स आपने जो है वो जनरेट कर देने. ठीक है, तो ये इस तरह से काम करते हैं. अगेन ये जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये पेड भी होती हैं, ये फ्री भी होती हैं. सो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की चाहिए. लेकिन पेड और अगर मिसाल के तौर पर अभी टेस्टिंग के लिए कोई आपको पेड एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है, तो वो हम किधर से ढूंढ सकते हैं, वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल एक एक्सटेंशन जो मैं ऐड करना अभी आपको बताता हूँ, वो है JCE एडिटर. ठीक है, JCE पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास एक JCE अवार्ड विनिंग कॉन्फिगरेबल विजिविक एडिटर फॉर जुमला. ये जो जुमला का डिफॉल्ट वो है ना कंटेंट एडिटर, ये उसको चेंज करता है. इसको मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं इंस्टॉल करूंगा. इंस्टॉल करके मुझे कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा. लेट इट बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट.
सो जब हम इंस्टॉलेशन पर प्रेस करते हैं तो ये कुछ टाइम लेता है, क्योंकि ये इसने डाउनलोड करना होता है पहले उस वेबसाइट से और फिर डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर जो है वो इंस्टॉल कर देता है। अच्छा, वो कह रहा है कि जी अब बताएगा कि हमारा ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया, वह डाउनलोड होकर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये बेसिकली है क्या, ये आपका वो कंटेंट एडिटर है। अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर डिफॉल्ट एडिटर मेरा जो था वो था टाइनी एमसीई। यहाँ पर जाकर मैं कहता हूँ कि एडिटर हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जेसीई, इसको मैं सेवन क्लोज करता हूँ और जल्दी से मैं कंटेंट में जाके एक एड न्यू आर्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि अब हमारा एडिटर किस तरह से है। तो ये अब हमारा एक नया एडिटर बन गया, ठीक है। इसमें कुछ अच्छी फंक्शनैलिटीज भी हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट कोड पर और यहाँ से डायरेक्ट आप प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। चीजें इसमें तकरीबन वही हैं, प्लगइन्स इसके वही यूज हो रहे हैं, लेकिन एक ये जरा नया एडिटर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक्सटेंशन दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे और असाइनमेंट आप सबने लाजमी करनी है। मैं आपको जो वीडियो भेजूंगा वो एज एन असाइनमेंट भेजूंगा और आप सबने करके अपने स्क्रीन शॉट भेजने होंगे एज अ प्रूफ, और वो किस तरह से मैं बताऊंगा, पता चलेगा मुझे, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस सेशन हियर और क्विज 9:30 पे आपका रिलीज हो जाना है। किसी का अगर क्विज के दौरान इंटरनेट का इशू आ जाता है तो वो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं फिर उसको नया वर्जन जो है रीअसाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास तकरीबन कोई 1.5 मिनट है। सो ये जो काम करता हूँ इसकी प्रैक्टिस साथ लाजमी किया करें, नहीं तो नहीं आएगा, मतलब देखने से कभी नहीं आएगा, ठीक है। देखने से मैं अगर इधर 150 वेबसाइट्स भी बना दूं तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें करनी नहीं आएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस जी? ओके जी, तो मैं यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा जुमला पर कंटिन्यू करेंगे और होपफुली उससे नेक्स्ट वीक में जो है हम वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो चुके होंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।